हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरुण, आपका ऑनलाइन स्कूल ट्रेनर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और बीजीपी की वीडियो में। आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं वो बीजीपी 4x10 नंबर है, और नया टॉपिक है। नया इस सच ऐसा तो नया नहीं है, बट यह है कि जिन लोगों को बीजीपी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए ये तो नया ही है। एक्चुअली क्या है 4x10 नंबर, क्या है अगर मैं बात करूं बीजेपी एएस नंबर की, तो आप जानते हैं कि जो बीजेपी के एएस नंबर हैं वो आपने अभी तक 65,536 तक ही जाने होंगे। मीन्स 0 से लेकर 65535 तक के जो नंबर्स हैं वही बीजेपी के एएस नंबर हैं। और जो मैं पहले भी यूज़ करता था, जितने भी सारे हैं AS 100 200, तो वो किस में आते हैं, 2x10 नंबर में आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि जिस तरीके से आईपी एड्रेसिंग कम होती गई और IPv6 को लाया गया, जैसे जैसे आईपी एड्रेस डिप्लीट होती गई, और अगर आप ये सोचें कि एएस नंबर जो हैं कि अगर वो 65536 ही रहते शुरू से, जब आयना ने एएस नंबर कॉन्सेप्ट सीरीज लॉन्च की थी, जो नंबर्स दिए थे वो केवल 2 बाइट्स के थे, यानी 16 बिट के, जो अगर आप देखें तो 65535 तक ही थे। 0 से लेकर टोटल जो होते हैं 65536 होते हैं, तो 0 to 6553 मीन्स 16 बिट्स हो जाते हैं, या बाइट्स में देखें तो ये 2 बाइट्स आता है, ठीक है। लेकिन टाइम बाई टाइम जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया, इंटरनेटवर्क की ग्रोथ बढ़ती गई, ISPs बढ़ती गई, एंटरप्राइज बढ़ते गए, और डिज़ाइन बहुत ही वास्ट होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो हुआ गया कि ये भी नंबर कम बढ़ने लगे। यानी कि 65535 में भी अगर आप देखें तो प्राइवेट नंबर्स के लिए बहुत पूरी एक सीरीज, एक रेंज रिजर्व है। तब INA ने क्या किया कि 2 बाइट और AS नंबर में ऐड करी, और उस पूरा जो AS नंबर है आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूँ तो 4x AS नंबर है, जो आपको दे सकता है 2^32 -1 तक के नंबर दे सकता है, जो ये आते हैं, ये हैं 429 करोड़ के आसपास हैं। मींस अब जो एएस नंबर की सीरीज है ये भी बहुत अनलिमिटेड समझ लीजिए, क्योंकि 4429 करोड़ जो हैं, 429 करोड़ या कह लीजिए 4 अरब 29 करोड़, ये इतने नंबर्स हैं, इतनी ISP भी नहीं है, और आने वाले काफी समय तक भी ये नंबर्स कम नहीं होंगे। क्योंकि आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट्स को अगर कंपेयर करूँ एएस, तो एक एएस के अंदर पूरी दुनिया भी आ सकती है, और एक सिंपल एक छोटा सा कंप्यूटर भी आ सकता है अगर एएस की बात की जाए तो। लेकिन बेसिकली एएस की सभी को जरूरत नहीं होती, जितने भी आप लोग मोबाइल या घर पर इंटरनेट यूज करते हो तो आप किसी ना किसी एक ISP के से कनेक्शन लेते हो, तो आप उसके एएस नंबर के पार्ट होते हो, तो आपको एएस नंबर की जरूरत नहीं होती और आप एक इंटीरियर गेटवे में चलते रहते हो। लेकिन अगर हम ISPs की बात करें, जिस तरीके से एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और जो नेटवर्क्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, ISPs पे ISPs चलते चले जा रहे हैं, और सब ISPs हो गई तो सबको AS नंबर्स की जरूरत पड़ी, तो INA ने क्या किया 2 बाइट्स और जोड़ दिए। और जैसे ही 2 बाइट्स जुड़े तो अब कितने नंबर बढ़ गए, पहले केवल 65536 ही थे, लेकिन 2 बाइट्स और एड होते ही वो कितने बढ़ गए, वो अरबों में चले गए, यानी करोड़ों में चले गए। ये बाइनरी का लॉजिक है, बिट्स लॉजिक है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कैसे बढ़ता है ये, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपके पास AS नंबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, INA आपको कोई भी नंबर्स दे सकता है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझने वाली बात है, कि आप किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से वर्क करता है, कब से आया, किस तरीके से आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये iOS डिपेंडेंसी है इसके ऊपर। मीन्स अगर आप 4x10 नंबर को यूज करना चाहते हो, तो अगर आपको कोई iOS पर लगाना है, तो सबसे पहले आपको iOS की कंपेटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि iOS के आपको 4x10 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे 12 के वर्जन थे वो 4 बाइट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अभी जो iOS XCXR है, या 15 को समझ लीजिए, जितने भी iOS हैं लेटेस्ट, सब 4x10 पे काम करते हैं। उनके पास पहले ही ऑप्शन दिया गया है, उनको नॉलेज रहती है कि वो समझ सकते हैं 4 बाइट पर और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, 2 बाइट्स अगर जो एडिशनल जो जोड़े गए उसने इतने नंबर ऐड कर दिए हैं, जो बेसिकली पुराने वाले बिट्स हैं, जो 2 बाइट्स जो शुरुआत की हैं, जो अगर आप लोअर ऑर्डर बिट्स की बात करते हो, तो 0 से लेकर जो 16 बिट हैं आपके, वो कितने देते हैं, 65536 नंबर देते हैं, 0 से 65535 नंबर में लिखे। और जो 32 बिट का एस नंबर है वो 0 से लेकर इतने नंबर तक आते हैं, 429 करोड़ के आसपास आता है, ठीक है। अब जो iOS ऐसे हैं जो कई बार क्या हुआ कि आपका डिज़ाइन है, आप राउटर से राउटर कनेक्ट करके बैठे हो, और उसमें हो सकता है कि ये जो 3 राउटर हैं ये तो 4 बाइट को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस राउटर पे iOS पुराने वाला है, और ये राउटर ऐसी सिचुएशन में कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको हटाकर नए iOS को ही लगा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं जो iOS 15 में मिलेंगे, XCXR में, जितने भी नए लेटेस्ट iOS हैं, तो iOS हमेशा अपग्रेड रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन ये आती है तो ये तो जानता नहीं, मान लेते हैं अगर इसका AS नंबर 68,000 है और इसका AS नंबर 200 है, तो
इसका कम्युनिकेशन इससे कैसे होगा? ये तो कर लेगा भाई, ये तो नीचे वाले से कर सकता है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है इस लेटेस्ट आई उसकी। लेकिन ये जो है इसकी फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है, मीन्स ये 15 से तो बात कर नहीं सकता 4 बाइट से, और बीजीपी को चलाना है तो कैसे काम करेगा उसके बारे में डिजाइनर ने सोचा, और उसके लिए यूज़ किया गया एएस ट्रांस, मीन्स इंटरऑपरेटेबिलिटी के लिए क्या किया, 2 बाइट और 4 बाइट के जो आईओएस हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए एक टर्म आई है एएस ट्रांस बोलते हैं उसे। और एएस ट्रांस क्या है, एक एएस नंबर रिजर्व है जिसे कहते हैं 2, 3, 4, 5, 6, यानी 4 बाइट एएस नंबर के अंदर जो 4 बाइट एएस सिस्टम है जितना भी इन्होंने डिजाइन बनाया है उसमें 2, 3, 4, 5, 6 जो एएस नंबर है ये रिजर्व कर दिया गया है। ये किस लिए रखा गया है कि इससे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी या इंटरऑपरेटेबिलिटी के लिए यूज में किया जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आपको उसमें कॉन्फ़िगरेशन में समझा दूंगा। ठीक है, कैसे होगा वो तो वहां पता लग जाएगा। अब ये लिखा कैसे जाता है, एक्चुअली क्या है, 4 बाइट एएस नंबर के है ना, 4 तरीके हैं लिखने के लिए। पहला है एएस प्लेन फॉर्मेट, जैसे आप डेसिमल सिस्टम लिखते हो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। अगर आपको 68,000 लिखना है तो आप 68,000 लिख सकते हो। आपको 25 कितना लिखना, 2.5 लाख लिखना है, एएस नंबर 2.5 लाख के आप मेंबर हो तो आप सीधा सिंपल इस तरीके से लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहते हो आप सिंपल डेसिमल में जा सकते हो। ठीक है, तो वो ये तो बहुत सिंपल है, जनरल है जैसा आप लिखते आते हो। एक आता है एएस डॉट प्लस, एएस डॉट प्लस में क्या है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसमें क्या है, 2 बाइट एक तरफ और 2 बाइट एक तरफ होता है और इसको सेपरेट करता है एक डॉट, जैसे एएस डॉट प्लस कहते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये डॉटेड नोटेशन पे काम करता है, बताता हूँ कैसे। कि जैसे अब आपको ये लिखा है, अब यहाँ पर देखें तो 0 से 0.65535 का मतलब ये 65536 है, ये 65535 लिखा हुआ है, मीन्स पहली जो लोअर ऑर्डर बिट है वो 0 है और डॉट के बाद 65535। आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको एएस नंबर 65535 लिखना है तो सिंपल ये लिख दीजिए। और अगर एएस 536 बढ़ाना है, मीन्स अगर आप यहाँ से आप जाते हो 0.6535 और इससे आगे जाते हो तो आप क्या करते हो, ये वाले जो शुरू वाली जो 2 बिट्स हैं ये आपके जो फर्स्ट 16 बिट हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, पहली 16 बिट का मतलब आप जा सकते हो 0, 1 से लेकर 65535 तक जा सकते हो। ठीक, तो उससे अगला जो बिट होगा वो 1 हो जाएगा, तो ये जो 1.0 है ये 1.0, इसका मतलब है ये लिखा गया 65536, मीन्स ये वाला जो 1 है ये 0 से लेकर 1 आया हुआ। जैसे आप अपनी आईपी एड्रेसिंग को देखते हो, क्लास बी को अगर आप देखें तो यहाँ से 65535 होता है, 0 to 255 होता है, उसके बाद फिर यहाँ इधर 1 हो जाता है उससे पहले वाले ऑक्टेट में। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है 0.1.0, तो हम बढ़ना शुरू होते हैं 1.0.1 का मतलब एएस नंबर 1 है, 0.2 का मतलब एएस नंबर 2 है, 0.3 का मतलब एएस नंबर 3 है, ऐसे करते करते ये 65535 तक आ जाता है। और जैसे ही आपको 65536 लिखना होता है तो यहाँ तो ये फिगर इतनी है, अब यहाँ लिखेंगे 1.0, ये 65536 एएस हो गया। तो 65536 जो एएस है वो रियल ओरिजिनली यूज में है और यूज किया जा सकता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको 65537 लिखना है, आप लिखना चाहते हो एएस नंबर 65537, तो आप क्या करोगे 1.1, तो ये क्या हो गया, जैसे आईपी एड्रेसिंग पे अगर आप ध्यान दें, सबनेटिंग या आईपी एड्रेसिंग जब आपने करी होगी तो 1.1, 65538 लिखना है तो 1.2, इस तरीके से आप बढ़ते बढ़ते 65536 पर जा सकते हो। 535 जाओगे फिर ये 2 हो जाएगा फिर 0, 1, ये क्या है, एएस डॉट नोटेशन है, एएस डॉट प्लस, मीन्स आप यहाँ देखें 1.0, 65536 और 65537 को लिखना चाहते हो 1.1, 38 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरीके से एएस डॉट नोटेशन काम करती है। ठीक है, डॉट प्लस नोटेशन काम करती है। एएस डॉट क्या है, एक्चुअली ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसमें काम नहीं होता मोस्टली आईओएस पर, इस पर काम नहीं किया जाता, जो मोस्ट पॉपुलर है वो ये है और एएस डॉट है, इसे कहते हैं एएस प्लेन या एएस डॉट। एएस डॉट क्या करती है, इसमें आप सिंपल, इसमें दोनों को यूज किया जा सकता है। आपको सिंपल लिखना है, आप डेसिमल में लिख दो 60,000, कोई दिक्कत नहीं है, आईओएस उसको समझ जाएगा। और आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे 65537 1.1 में, मीन्स एएस डॉट प्लस जो डॉट नोटेशन मैंने भी आपको बताई है इसको भी समझ सकता है, और ये जो नॉर्मल एएस प्लेन है दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों में से जो मर्जी आप लिख दीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। इसके बाद आता है कॉलन, कॉलन में क्या सिंपल, ये डॉट से डिवाइड नहीं होता, इसमें डबल कॉलन लगा होता है, जस्ट लाइक IPv6 एड्रेसिंग 1:1। और ये मोस्टली यूज में नहीं है, अगर मैं बात करूँ तो रेडबैक के राउटर आते हैं, रेडबैक एक कंपनी है उसके राउटर्स आते थे, तो वो उस पर एएस कॉलन चलता है 4 बाइट एएस में, बाकी सिस्को एएसएस पे तो ये कॉलन नहीं देखा मैंने कभी भी,
और ये चलता भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये चार तरीके हैं लिखने के लिए, किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। वैसे बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूँ, आपको एस डॉट पर काम करना चाहिए। मान लेते हैं अगर बहुत बड़ी सीरीज है, जैसे आप 2 करोड़ कुछ लिखना चाहते हो, तो उसको डेसिमल याद करना इतना आसान नहीं है। और आप उसको किस तरीके से लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम भी होगी, जीरोज में डिस्टरबेंस आ सकती है। तो आप क्या कीजिए, उसको डॉट नोटेशन में निकाल लीजिए और काम हो जाता है। ठीक है, डॉट नोटेशन में निकालने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपको 68,000 ही लिखना है, AS 68, 68,000 ही लिखना है, ये है, इसको डॉट में लिखना है। तो पहला डॉट तो 65,536 होता ही है, इसको 68,000 में से 65,536 को घटा दीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से 65536 को, जो भी आएगा। जैसे मान लेते हैं 2,712 आ गया, तो 1.2412 इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये AS 68,000 हो जाएगा, तो ये इजीली हो जाएगा। इस तरीके से आप जो बड़े नंबर्स हो करोड़ में अरब में उसमें निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, पहली वाली तो ये है ही, या डॉट को बदलना है। जैसे 3.1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये अगर आप प्लेन में देखना चाहते हो, जैसे आपको पता नहीं कि 3.1 कॉलम इसमें लगा हुआ है, तो एस डॉट में लिखा हुआ है, इसको आप इसका एस प्लेन में बदलना चाहते हो, तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 65536 से, ठीक है, जो भी आएगा उसमें इसे 1 को ऐड कर दीजिए, तो आपका प्लेन आ जाएगा। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। और अगर मतलब एस डॉट में बनाया जा सकता है सब्सट्रैक्शन से, और अगर आप किसी को वापस देखना चाहते हैं इस प्लेन में, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए पहली वाली फिगर को और फिर उसमें बाकी को ऐड कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो और ये कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं बात करूं, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी की हुई है, आप यहां पर देखें तो ये AS 97,000 है, ये AS 65,538 है, ये AS 2,50,000 है, और ये AS 200 है। इसमें ये जो iOS हैं, ये तीनों iOS 15 हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 पे, और तीनों सपोर्ट करते हैं, ये नॉन सपोर्टिंग है। तो किस तरीके से दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, केवल इसमें थोड़ा सा काम है। यहाँ क्या करना है, आपको जाना है राउटर BGP AS 97,000 लिखना है, जैसे नॉर्मल लिखते हैं, नेबर ये से बना देंगे, इसका नेबर ऐसे बना देंगे, BGP में मैंने ये लूप डाले हुए हैं। तो अगर आप R1 पे ही देखें, तो इसकी रनिंग मैंने यहाँ दिखाई हुई है, तो आप देखिए राउटर BGP 97,000, सिंपल नेबर दे दिया है, नेबर 10.2, रिमोट AS 6538, और नेबर 40.4, रिमोट AS 200 दे रखा है, और नेटवर्क 100, बिल्कुल सिंपल है जैसा मैंने आज तक आपको बताया, सारे रूल वही हैं, कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक, और इस पे आप BGP भी देख लीजिए टेबल, मैंने सभी के लूप को एडवर्टाइज किया हुआ है, डू शो IP BGP, तो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 हैं, सब अपने अपने AS से आ रहे हैं। ये AS 200 से आता है, AS ये क्रॉस करता है, ये AS 2,50,000 का है, ये 2.0 है, 65538 का है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है टेंशन भरा कि जो समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। R2 पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो नॉन सपोर्टिंग वाले iOS हैं, जैसे R4 है, ठीक है, इस पे अगर मैं आप यहाँ पर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ देखें 1.0 क्या है, AS 100 का है, जो है AS 97,000, उसकी जगह 23456 आ रहा है। तो जितने भी 4 byte AS हैं, सब 23456 से होंगे, तो सभी ऑटोमेटिकली क्या है, जो ट्रांस AS है वो रिजर्व है। तो जो नॉन iOS है, काम तो करेगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, नेबर बन जाएगा, 23456 से ही होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जिस वजह से मैंने कहा है कि आप iOS को चेंज करके रखिए, अपग्रेड रखिए, कि ओरिजिनली अगर कोई 23456 AS हुआ तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये ट्रैवल करके जाएगा, क्योंकि 23456 AS क्या है, 2 byte AS है, और जनरली लोअर ग्रेड राउटर्स पे आप उसे लगा लोगे, और किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, 23456 AS को ही आपने एक्टिव AS में यूज किया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, लूप लगेगा उसको। खैर उसका भी एक ऑप्शन है, आप अलाउ AS कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं BGP में, जो एक्चुअली वीडियो में कवर करना इतना पॉसिबल नहीं रहता। तो बहुत सारे रेमिडीज हैं BGP के इनबिल्ट भी, जो है तो अपने ऑप्शंस हैं उसमें, तो उससे इसको भी रिकवर किया जा सकता है। फिर भी रिकमेंडेशन क्या है कि अब जैसे टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड है, तो आपको अच्छे ही राउटर्स लगाने चाहिए जिनपे आपके लेटेस्ट iOS सपोर्ट कर सके। और नेबर कैसे बनाएं, नेबर बनाने के लिए भी आप रनिंग देख लीजिए। मैं रनिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि आई होप कि आपने मेरे सारे BGP को सही से देखा होगा, सही से जाना भी होगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर राउटर BGP और नेबर कमांड लगा कर दिखाऊँ, तो खाली रनिंग से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
बीजेपी का ही सेक्शन दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ नजर डालें, ये देखिए राउटर बीजेपी 200 लिखा है मैंने सिंपल, और जब मैंने नेबर दिया 30.3 जो 98,000 था, 97, उसकी जगह मुझे 23456 ही लिखना पड़ा है। मैं यहाँ पर नाइन, अगर मैं इसको दूंगा भी, अगर आप देखें नेबर कुछ भी दे देता हूँ, जैसे 40.1 ही दे देता हूँ, 40.0.0.1 रिमोट एस 97,000 लिखूंगा तो ये रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसके आईओएस में सपोर्ट ही नहीं है और ये केवल 65,000 तक ही जा सकता है, उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जब भी आईओएस नॉन सपोर्टिंग आईओएस को, यानी 2 बाइट आईओएस को 4 बाइट AS से कनेक्ट करोगे तो एस नंबर 23456 देना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये राउटर्स तो जानते हैं, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से आप काम कर सकते हो और इंटरऑपरेटेबिलिटी बना सकते हो। तो ये BGP 4 बाइट AS नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से आता है कि 4 बाइट AS नंबर कैसे काम करता है, तो आप इस ट्रांस को ध्यान रखिए, और जो इसका लिखने का नोटेशन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, आप इसे भी ध्यान रखिए कैसे होता है। ठीक है, हाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटेशन बदल के दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये दिख रहा है 65538 और 2,50,000। अब BGP में जाइए और BGP AS नोटेशन कमांड है, और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो डॉट, तो इससे क्या होगा, नोटेशन बदल जाएगा, आपको ये कमांड मैनुअल लगानी पड़ेगी, नोटेशन बदलना है। आप देखें डू शो IP BGP, देखिए 1.2 हो गया, 65.38, ठीक है, 1.0 36 होता है, 1.1 37 होता है, 37, और 1.2 65 38 हो गया। ये जो था 97 वाला, वो मैंने 3, वो 2,50,000 वाला 3.53392 हो गया, इसे आप निकाल कर देख लीजिए, 60/36536 को 3 बार गुणा कर लीजिए, 6536 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 53392 को ऐड कर लीजिए, तो आपका यही आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा है 2,50,000। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वापस आपका प्लेन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस वीडियो में बस यहीं तक था, और आगे मिलेंगे फिर किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।